श्वास को मतलब पीछे ऊर्ध्वहस्तासन। तीसरा श्वास को छोड़ते हुए आगे पादहस्तासन। चौथा अपने राइट लेग पे बैठना है, बैठना है सीधा पैर पे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। पांचवा पर्वत आसन, दोनों पैर पीछे। छठवा अष्टांग आसन, इसमें आठ अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, दोनों पंजे, दोनों घुटने और दोनों हाथ, छाती और ठोड़ी, इसलिए इसको अष्टांगासन बोलते हैं या फिर साष्टांगासन। सातवां भुजंगासन, श्वास को बढ़ते पीछे। आठवां पर्वतासन। नौवां बाएं पैर आगे, बाम अश्व संचलन आसन। दस पादहस्तासन। ग्यारह ऊर्ध्वहस्तासन। तो बारह नमस्कार आसन। तो इस प्रकार ही हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। बहुत बढ़िया।